मेरे चैनल से और आप देख रहे चैनल नंदा भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो हम बनाने वाले इस सांप के साथ। जी हाँ, ये है कोबरा। कोबरा नागिन मैं हूँ नागपुर का डोली चाय वाला। मैं हूँ दीदी की बड़ा पाव घर। और हमें हमारे घर के गधे जिन्होंने पढ़ाई कर कर अपने माँ बाप के पैसे और हमारा खुद का टाइम वेस्ट किया है। जा रहा हूँ मेरे माँ बाप के चरणों में माफी मांगने के लिए और उनकी कढ़ाई से भजिया चुराकर बेचने के लिए। तो ये है दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल, जो कि मुंबई के वड़ा पाव दिल्ली में खिलाती है। ऐसा नहीं कि वड़ा पाव दिल्ली में कभी मिलता नहीं हो, पर जो इनके ठेले पे मिलता है वो किधर भी नहीं मिलता। ना नको बिल्कुल नहीं। वड़ा पाव खाओ और निकल जाओ। वड़ा पाव एक फास्ट फूड है, मतलब जल्दी जल्दी खाओ और निकल जाओ। पर इन दीदी के ठेले पे लोग लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं वड़ा पाव के लिए। ऐसा नहीं कि वड़ा पाव किधर मिलता नहीं है, वहाँ पे हर दूसरे चौराहे पे एक वड़ा पाव वाला होता ही है, पर जो इनके ठेले पे होता है वो और किसी ठेले पे नहीं होता। ऐसा बड़ा पाव मैंने लाइफ में कभी, जिंदगी में ऐसा बड़ा पाव मैंने कभी नहीं खाया। जब मैडम अपने जो हाथों से बनाते हैं वही हाथों का स्वाद आ रहा है मैडम जी का। मैडम जी अपने जो भी है ना चीज अपने हाथों से ही बनाते हैं। हाँ भाई, दूसरे वड़ा पाव वाले तो अपने किसी और ही शारीरिक रंग का इस्तेमाल करते हैं वड़ा पाव बनाने के लिए। दूसरे वड़ा पाव वाले सोचते हैं कि जल्दी जल्दी बिक जाए, फुर्सत में घर जाऊं आराम, गुड नाइट। और जब बड़ा ऑर्डर आता है तो इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है। जब इन दीदी को बड़ा ऑर्डर मिलता है तो ये दीदी टेंशन में आ जाती है, ही माँ कैसे पूरे करूंगी मैं ये सारे ऑर्डर। इसलिए दीदी 600 ज्यादा वड़ा पाव देती ही नहीं है, क्योंकि इनके पास पैकेजिंग की कमी है। फिर भी सारे लोग इसके पास आते हैं क्योंकि और ऑडियंस को ड्रामा यही मिलता है। मिर्ची अनलिमिटेड जा रही है, जो कम पड़ गई कल कस्टमर को मिर्चियाँ भी बहुत पसंद आ रही। कल एक मैम आई थी, हाँ। चटनी और हरी मिर्च लेके रही है। अच्छा। हाँ, और हमने भी कॉल किया है कि हरी मिर्च चटनी भी इतना स्वाद है तो वड़ा पाव में क्या होगा भाई, तू मेरे लिए अलग से वड़ा पाव पैक करके रख। मैं बता रहा हूँ वो दिन दूर नहीं है जब आंटी अपने हाथ से चटनी चटाकर कस्टमर को घर में देंगी और कस्टमर उसके भी पैसे दे देंगे। और मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि कस्टमर के पास दीदी का नंबर कैसे आया कि उस फोन करके बोल रही है वाह मजा आ गया, क्या चटनी बनाई थी। और मजा आने के लिए इसका वड़ा पाव बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ भाव बढ़ गई है। वड़ा पाव तो इतना सा ही है। देखो रोड पे स्कूटी लगा रखी है भाइयों ने। नहीं भाई, हाँ चार पैक कैसे करूँ, हाथ में दे रूँ थैली दे रूँ ये लूँ, रोज यही चल रहा है भाई। पैकिंग व्यवस्था बिल्कुल नहीं है क्योंकि कस्टमर 10-10, 15-15 पैक करवाता है, इसलिए आज ये टूल करना पड़ा मुझे। ऐसा लग रहा है मानो टीचर आ गई है बच्चों को डांटने के लिए। अरे बहन, ज्यादा ऑर्डर मिल रहा है तो खुश हो ना। नहीं बहन को तो हाथ में पन्नी पकड़ानी है, अगले दिन तो ये मेरे दूध डेरी की तरह बोल देगी अपना झोला खुद लाने का, मैं सिर्फ दूध रख के दूंगा। और अगर भीड़ नहीं संभाली जा रही तो एक बड़ी सी दुकान खोल लो, उसके अंदर एक छोटू नाम का एम्प्लॉय भी रख लो। पर नहीं, दीदी को तो मल्टीटास्किंग करनी है, सब करना है दीदी को। बट अभी उसको भी ऑन करने का टाइम नहीं मिल रहा है। दीदी टंकी उठाती है, दीदी झाड़ू लगाती है, दीदी ट्रैफिक कंट्रोल करती है, दीदी वड़ा पाव तलती है, सब कुछ करती है दीदी। पर उसका पति अजी कद्दू कुछ करता होता है, भले कुछ ना कुछ कर रहा होता है, पर जैसे ही ब्लॉगर अपना कैमरा निकालते हैं तो उसको शूट ही नहीं करते। और अगर निकाल भी लेते हैं, शूट करने भी वाले होते हैं तो दीदी अपने हाथ में झाड़ू ले लेती है और लग जाती है काम करने के लिए। आजकल तो यहाँ पे मेरे नीचे ठेले वाला है, वो भी अपने काम पे छोटू रखता है, एक एम्प्लॉय रखता है। पर दीदी नहीं, किसको भी नहीं रखना, सारा पैसा अपने पॉकेट में डालना, किसके साथ पैसा शेयर नहीं करना। यहाँ पे दीदी वड़ा पाव तल रही है और उसके पीछे बेरोजगारों की सेना खड़ी हुई है जो कि उसको वड़ा पाव तलते हुए देख रही है। या तो ऐसा हुआ कि इंडिया में बेरोजगारी बढ़ गई है या फिर दिल्ली में कोई अच्छा तमाशा नहीं मिलता। मैं तो यह सोचता हूँ कि इनके घर में भी खाना बनता है, पर कभी पीछे खड़े रहे सारी भीड़ उधर ही जमा होती है। ये बहन गुस्से ऐसे करती है जैसे कि फ्री में वड़ा पाव बांट रही हो। अगर आप कोई चीज बेच रहे हो, किसी को सर्विस दे रहे हो, तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी परमिशन के बगैर उसको वो चीज मिल जाए। पर नहीं, इनको तो गुस्सा करना ही है।
और अगर आपके मैनेजमेंट में दिक्कत है तो बीच में बीमारी क्यों घुसेड़ रहे हो, और उसके बाजू में वो छोटा पाव उसका पतिदेव, ना वो किसी से कुछ बोलता है ना कोई और उससे कुछ बोलता है, पता नहीं क्या करता रहता है पूरा दिन, मुझे तो पता भी नहीं चलता क्या करता रहता है वो। इसलिए लगता है ना सर कि आज खुद के लिए काम कर रही हूँ, आज चार दिन से कंटिन्यू फीवर में हूँ जी, आज किसी और की कंपनी में काम कर रही होती नहीं जाती ऑफ ले लेती, आज मेरा काम है इसलिए मैं खड़ी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नुकसान मेरा। हाँ, पैसों का नुकसान हो जाएगा और जो आधी दिल्ली की जनता बीमार हो जाएगी उससे तो तेरा कोई नुकसान नहीं है। जैसे खुशियाँ बांटने से बढ़ती है वैसे ही कोई बीमार इंसान कोई अपने हाथों से कुछ बना के बेचेगा तो खाने वाला भी बीमारी पड़ जाएगा, ये कोई फ्लेक्स मारने की बात नहीं है दीदी। तो जिनको ये नहीं पता मैं बता दूं कि दीदी पहले जॉब करती थी पर उन्होंने जॉब छोड़ दी क्योंकि उसके पीछे बहुत ही दर्दनाक कहानी है। कहानी ये है कि उनका बच्चा पूरा दिन बीमार रहता था तो वो जॉब कर नहीं पा रही थी इसलिए, पर अभी जो 2400 घंटे वो थैले में रहती है तो उसको कुछ नहीं हो रहा, और उसके साथ तो अभी उसके पति और उसकी सासू माँ भी आ गई है क्योंकि उसकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ लड़ाई होती ही रहती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि इसकी वड़ा पाव में नमक नहीं होता। जी हाँ, ये रोज रोती है और स्वाद अनुसार इसके आंसू उस वड़ा पाव में मिले होते हैं। जी हाँ, आपके लिए इतना सारा रोती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो देख के थोड़ी सी भी ऐसी आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।